हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योमेट्री का कुछ बेसिक चीज सीखेंगे, जैसा कि कर्व्स। कर्व्स क्या होते हैं? कर्व्स ऐसी डूडलिंग होती है या ऐसी ड्राइंग होती है जो आप बिना पेंसिल को लिफ्ट किए बनाते हैं। जैसे मैंने ये बना दिया, फर्स्ट पेंसिल लिफ्ट नहीं करना होता है, ये लाइन ड्रॉ कर दी विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। या ये कर्व्स हो गए, इन्हें मैंने बिना पेंसिल को लिफ्ट किए बनाया है, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट आता है सिंपल कर्व्स। क्या होते हैं सिंपल कर्व्स? वो कर्व्स होते हैं जो आपस में अपनी ही लाइन को क्रॉस ना करें, जैसे ये या फिर ये। या आपने ये देखा, इसमें इसने लाइन को क्रॉस नहीं किया, ये सिंपल कर्व्स होते हैं जो अपनी ही लाइन को क्रॉस ना करें। नेक्स्ट ओपन कर्व्स क्या होते हैं? ऐसे कर्व्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में ना मिले, जैसे लिखा है कि दैट डू नॉट बिगिन एंड एंड एट अ सेम पॉइंट। जैसे मैंने ये फिगर बनाया यू का, स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंडिंग पॉइंट ये है, आपस में नहीं मिलते हैं। ये मैंने एंगल बनाया, इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, यहां से स्टार्ट किया और एंडिंग पॉइंट अलग है, आपस में नहीं मिलने चाहिए। या ये सारे ही ओपन कर्व्स है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल का मतलब जैसे ये सिंपल कर्व थे, आपस में क्रिस क्रॉस नहीं होने चाहिए लाइंस। क्लोज्ड का मतलब बंद होने चाहिए और कर्व का मतलब सिंपल डूडलिंग, जैसे कि आप ट्राइंगल बनाते हो, ठीक है, सर्कल बनाते हो, स्क्वायर बनाते हो, और भी बहुत सारी फिगर्स होती हैं। इसमें आप देखिए इसमें क्या लिखा है कि दे बिगिन एंड एंड एट अ सेम पॉइंट। जहां से बिगिनिंग होती है वहीं पे जाके वो एंड भी होता है, जिसमें आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं कर सकते हो कि कहां से शुरू हुआ या कहां से खत्म हुआ है। ऐसे फिगर्स को सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं। थैंक यू।